महोत्सव है विश्वास को विद्यमान से जोड़ने का, नर को नारायण से जोड़ने का, न भूतो न भविष्यति। मर्यादा पुरुषोत्तम की भव्य और दिव्य नगरी अयोध्या, जहां जल्द ही वो शुभ घड़ी आने वाली है जब पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा प्रभु श्री राम का अद्भुत अलौकिक और अद्वितीय मंदिर। ऐसे में 2024 के चुनावी शंखनाद के बीच टीवी 9 भारतवर्ष अयोध्या पहुंचा और जाना मोदी सरकार को लेकर क्या सोचते हैं यहां के मुसलमान। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और मोदी और भाईजान का ये सफर आज लेकर आ पहुंचा हूं मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या। और अयोध्या में मोदी और भाईजान में बात करेंगे अब 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरफ जा रहा है अयोध्या के भाईजान। शुरुआत तमाम लोग से करेंगे, ये तमाम जो लोग हैं ये एक मुस्लिम कस्बा है, ज्यादातर आबादी यहाँ पर मुस्लिम है। 9 सालों में मुसलमानों देश की स्थिति तो बदली, लेकिन क्या मुसलमानों की और अयोध्या में रहने वाले मुसलमानों की स्थिति बदली? बिल्कुल बदली है, 9 साल में बहुत विकास हुआ है। पहले जैसे सब घरों में गाड़ी नहीं थी, कार नहीं थी, अब देखिए सब घरों में गाड़ी है। व्यवसाय बहुत बढ़िया चल रहा है, बाकी सड़कें लाइट पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी है। मुसलमान जितनी योजनाएं भारत सरकार की उत्तर प्रदेश सरकार की आती है उसमें पूरा भागीदारी मुसलमानों की हो रही है, चाहे आवास योजना हो, शौचालय योजना हो, आपको 2.5 लाख मिलना हो, वो सब मोदी ने बराबर दिया है। चैन अमन से है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आप जैसे देख रहे दंगे होते नहीं है, बाकी सबको अनाज मिल रहा है। सबसे अच्छी हमारी योजना जो है क्या नाम है, गरीबों को अनाज वाली है, वो पूरी मिल रही है, तो हम लोग संतुष्ट हैं। पुनः भारी महबूस से कोई भेदभाव नहीं है, जैसा मैंने सुना था तमाम राजनीतिक मंचों पर यह कहा जाता है कि मुसलमानों की स्थिति भारत में बहुत खराब है, बहुत भेदभाव होता है। अयोध्या में क्या किसी तरह का भेदभाव? ऐसा नहीं है, तो सपाइयों बसपाइयों की सबकी दिमागी उपज है। किसी योजना का फायदा मिला है या सब हवा हवाई है, किताबी बातें चल रही है? सभी समुदाय को मिल रहा है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई, सभी 2.5 लाख का जो भी स्कीम है और तमाम योजनाएं हैं सभी लोगों को मिल रहा है। और हम सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे अयोध्या में विकास हो रहा है, 4 लेन बन रही है और बहुत ही अच्छी सुविधा होने जा रही है, इस पर हम लोगों को बड़ा गर्व है। अच्छा, लेकिन मैंने ये सुना था कि इससे पहले की जो सरकारें थी वो मुसलमानों को बहुत फेवर करती थी, बीजेपी मुसलमानों को फेवर नहीं करती है, तो फायदा कैसे मिल रहा है? बहुत ज्यादा भेदभाव होता होगा यहाँ, तो ये मुस्लिम है तो उसको इस स्कीम का फायदा मत दो, ये मुसलमान बस्ती है तो यहाँ सड़क मत बनाओ, यहाँ बिजली मत दो, यहाँ नालियाँ, ऐसा भेदभाव होता है क्या इस सरकार? ऐसा नहीं है, सभी के लिए आसानी है और परेशानी कोई नहीं। अब जब राम मंदिर बन रहा है उसके बाद अयोध्या की तस्वीर कितनी बदली है? क्या मुसलमानों को किसी तरह की कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है सरकार से? डबल इंजन की सरकार में कोई दिक्कत है? नहीं, कोई मुसलमानों को कोई परेशानी ना हुई है ना होगी सरकार में। जी हाँ, मोदी जी और योगी जी के राज में मुसलमान खुश है कि नहीं है? कोई खुश है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, माफियागिरी खत्म हो रही है, गुंडागिरी खत्म हो रही है, जो बातें हैं जो दिखाई दे रही है। राहुल गांधी विदेश में जाकर कहते हैं मुसलमान बहुत डरा हुआ है, अयोध्या में रहकर मुसलमान कितना डर रहा है ये बताइए सर। नहीं, मुसलमान ना डर रहा है ना डरेगा ना डरता है, कभी नहीं डरा। अयोध्या में रहते हैं मुसलमान, काफी मुसलमान है और विकास जो हो रहा बराबर का फायदा मिल रहा है, हो रहा बराबर का फायदा मिल रहा है बिल्कुल, और क्या भाई, अभी खोदा जा रहा है, कल को चमन बनेगा, कल अच्छे बन जाएंगे रोड, तब फिर विकास तो होएगा ही, इसका बराबर बिल्कुल बराबर होएगा सर, कोई दिक्कत नहीं होगी। अयोध्या का तो विकास हो रहा है, चारों तरफ सड़कें बन रही हैं, होटल्स बन रहे हैं, मॉल्स बन रहे हैं, पानी की व्यवस्था ठीक हो रही है, लेकिन मुसलमानों की जिंदगी में इससे कोई परिवर्तन आ रहा है? कोई परिवर्तन तो परिवर्तन ही परिवर्तन है भैया, 9 सालों में सबसे बड़ी चीज ये देखी, कोई दंगा नहीं हुआ, सबसे बड़ी चीज और सबसे बड़ा उदाहरण जो हम लोग के सामने है। मुसलमान सुरक्षित महसूस करता है खुद को? भैया पूरी तरह से 100% सुरक्षित है, क्योंकि अगर आप दंगे कर रहे हैं तो आप 4 साल 5 साल पीछे जा रहे हैं, सबसे बड़ी चीज वो 4 साल 5 साल हमको जो है लेवल में लाने के लिए, क्या समझे, हमको एक जो है समझ लिए, एक बच्चा जो 5 साल का है, 1 साल का है समझे, 5 साल का बच्चा 10 साल का हो रहा है, समझ रहे हैं, तो बस उसी तरह से हम लोग का लाडर बना हुआ है। तो दंगा अगर नहीं हो रहा है तो ये हमला परिवर्तन पहला चीज और आखिरी। और मुसलमान आपको फायदा मिला या भेदभाव होता है कि ये मुस्लिम है तो उनको ये फायदा मत दो, ये हिंदू है तो उनको फायदा मिला, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? फायदा हमको मिला, 2.5 लाख रुपया मिले हमें और राशन फ्री मिल रहा है, ठीक है, इसमें कोई भेदभाव कहीं से नहीं। 14 से पहले की अयोध्या और 14 के बाद की अयोध्या, ये सबके सामने है सर कि 14 से पहले क्या था और 14 के बाद क्या है। और रही बात मुसलमानों की परेशानी की, तो एक परेशानी मुसलमान अपनी बता दे, नॉर्मल मुसलमान
आप जो गलत तरीके से काम करोगे तो उसका अंजाम गलत ही होगा। कितना विकास हो रहा है, ये जितने जो गलत कह रहे हैं ये उसी स्टेशन पर सफर करेंगे जो मोदी जी ने बनाया है, ये उसी ट्रेन पर चलेंगे जो मोदी जी ने वंदे भारत निकलवाई है। तो जो विरोध कर रहा है या तो मोदी जी का विरोध करे, उस ट्रेन पर ना चढ़े, उस सड़क पर ना चले, उस बनाई हुई सुविधा पर ना चले, उस योजनाओं का फायदा ना ले, ये तो विरोध हुआ। हम लाभ भी उठाएंगे और गलत भी कहेंगे, तो ये विरोध नहीं हुआ, डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। एक नया कानून बनाए ट्रिपल तलाक कि कोई महिलाओं को आसानी से अब तलाक नहीं दे सकता, तो ये मजबूत आधार बना, आप लोग इससे कॉन्फिडेंस आया और ये अच्छा लगता है, ये कानून कैसा है महिलाओं के हिसाब से? जी बहुत अच्छा है, क्योंकि जो दबी औरतें थी उन लोग के लिए हौसला आ गया, उन लोग को थोड़ा भरोसा मिल गया कि हम लोग के पीछे भी कोई है। पहले ही कहा जाता था कि बीजेपी आके दंगा होगा, मुसलमान मारे जाएंगे, मुसलमान युद्ध में रह नहीं पाएंगे, लेकिन पिछले 9 सालों जैसा कुछ हुआ नहीं। 9 साल में मोदी जी और 6 साल में योगी जी, ऐसी कभी परिस्थिति आई कि अयोध्या छोड़कर जाना पड़े, अपना घर मकान बेचना पड़े, बहन बेटियों को शिफ्ट करना पड़े? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ ना, ऐसा होने की उम्मीद है। जबकि सब उल्टा हुआ है, जो हमें विकास नहीं मिलता था वो विकास मिला है, सबने तरक्की की है, अब बराबर हम लोग बहुत खुश हैं। दोबारा पूर्व मोहम्मद से मोदी जी को वोट देंगे और जिताएंगे। अयोध्या का मुसलमान, अयोध्या का मुसलमान 24 में मोदी जी को वोट नाम पे, पढ़ाई बेहतरी के नाम पे, एजुकेशन के नाम पे, देख ली सारी चीज, सब फर्स्ट क्लास है, सब कुछ बढ़िया, बिल्कुल चढ़ा है, कोई भेद नहीं, कहीं कोई भेदभाव नहीं, कहीं कोई भेद नहीं, कहीं कोई भेदभाव नहीं, कतई नहीं है। आप समझ लिए भेदभाव तो कतई नहीं है। मोदी जी ने आप समझ लिए कि अयोध्या को बना देंगे जिस समय ये फ्रेश होकर तैयार हो जाएगा, रोडे यहाँ की सड़कें गलियां सब व्यवस्थाएं हो जाएंगे, 2024 में देखने लायक रहेगा, देश विदेश से आएंगे देखने लोग यहाँ। अयोध्या का मुसलमान ये महसूस कर रहा है। मोदी जी को तीसरी बार मुसलमान प्रधानमंत्री बना रहा है कि नहीं बना रहा है? बना रहा है, 2024 के इलेक्शन आएगा, मुसलमान बनाएगा, मुसलमान का मुसलमान, वो मोदी जी जो राम मंदिर बना रहे हैं, हां बनाए, कोई शिकायत नहीं है, मंदिर से हमें कोई मतलब नहीं, कोई उससे परेशानी नहीं है, वो अपनी पूजा करेंगे, हम अपनी नमाज पढ़ेंगे, अदा करेंगे पूरी तरह, और क्या, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ तक हमारे पिछली जितनी सरकारें थी उससे ज्यादा फायदा मुसलमानों को इस सरकार में मिल रहा है, इस सरकार में मिल रहा है। एक दो कानून की बात बहुत तेजी से हो रही है, एक ट्रिपल तलाक कानून को खत्म किया गया जिसमें मुस्लिम महिलाओं को बहुत मजबूत करने का काम किया, और एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही जा रही है। अयोध्या का मुसलमान क्या सोचता है, क्योंकि ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये कानून गलत है, मुसलमानों के खिलाफ है। क्या एक देश और एक कानून होना चाहिए, मुसलमान क्या मानता है इस बात? नहीं, सभी मुसलमान इस पे है कि सभी मुसलमान यही चाहता है कि जो सरकार फैसला करेगी उसका सम्मान करेंगे। और जो एक देश एक कानून, देश एक कानून के, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, सभी एक देश के नागरिक है, तो जो भी कानून हो वो सबके साथ सेम हो। किस दल ने मुसलमानों के लिए काम किया? कांग्रेस ने काम किया, समाजवादी पार्टी ने काम किया, बीजेपी ने काम किया, किसने किया? मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, बस इस सरकार में ये कि बगैर भेदभाव के हर काम हो रहा, बस मुसलमानों के लिए। इससे पहले की सरकार में आप लोग 50 साल तक एक सरकार को वोट करते आए हैं, किसी पार्टी की सरकार बनाते आए हैं, इतना फायदा किसी स्कीम का मुसलमानों को क्या मिला था? नहीं, कुछ नहीं, घर द्वार सब उसने दिया, और क्या है, राशन भी फ्री मिला। किसने दिया? अरे मोदी जी ने दिया, और क्या। अच्छा, तो इससे पहले नहीं मिला था? नहीं, घर किसको? 50 साल वोट दिया, आपको कुछ मिला? फ्री राशन कभी मिला था? नहीं। आवास कभी मिला? नहीं। अब 5 साल का हेल्थ कार्ड कभी बना? 5 लाख का? नहीं। अब बना सब जाकर 2024 में देश का, अयोध्या का मुसलमान किस तरफ देख रहा है, किसकी सरकार बननी चाहिए, कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए देश के मुसलमानों के लिए, देश के हिंदुओं के लिए कौन बेहतर नेता है, ये जरा बताइए। देखिए, हिंदू की बात तो अपनी जगह है, हाँ। हम लोग मुसलमानों के हिसाब से तो बेहतर जो है हम, हाँ, लोग के लिए मोदी जी हैं। बड़ी चीज ये है, हाँ, कि मोदी और योगी से बेहतर कोई नहीं, कोई नहीं। बस 24 में मुसलमान किस तरफ देख रहा है? मोदी की तरफ। मोदी की तरफ क्यों देख रहा है? मोदी की तरफ इसलिए, ऐसा क्या हो गया, क्या बदल गया? तमाम स्कीमें सभी समुदाय के लोगों को मिला है, और सभी स्कीमें और तमाम विकास हो रहा है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अयोध्या जैसे जिले में जो है तमाम सुविधाएं मिल रही है। हम इस वक्त अयोध्या की राठ हवेली अली पॉइंट इलाके में मौजूद थे, और एक मुस्लिम बस्ती में रहते हुए तमाम मुसलमानों की हमने राय जानी। अब अयोध्या के दूसरे इलाके में आपको ले चल रहे हैं, वहां कुछ और मुसलमानों से बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि 9 सालों की सरकार में देश के मुसलमानों के और खासकर अयोध्या में रहने वाले मुसलमानों की जिंदगी में कोई परिवर्तन आया है या फिर। दिलचस्प तो ये है कि जिस राम जन्मभूमि के इर्द गिर्द अतीत में भारतीय जनता पार्टी की सियासत घूमती रही, अब वहां 2024 के सत्ता संग्राम से पहले राम भक्त राम मंदिर के साक्षी बनेंगे। ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि अयोध्या लोकसभा सीट का समीकरण क्या है। यहां मुस्लिम 15% है, यादव 13% है, दलित 4% है। तो अयोध्या के अलीगढ़ बस्ती में हम मौजूद हैं, और ये घनी आबादी वाला मुस्लिम इलाका है, बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं हमारे साथ हैं। एक बार इनसे जान लेते हैं
क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, ये बताइए कि डबल इंजन वाली सरकार चल रही है। एक तरफ केंद्र में नरेंद्र मोदी हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं। मुसलमानों को उसका फायदा मिला है कि नुकसान हुआ, ये बताइए। नहीं, मिल तो सबको रहा है फायदा। हाँ, सबको फायदा मिला, किसी को कोई नुकसान नहीं है, राशन भी मिल रहा है ठीक से। तो पढ़ा लिखा मुसलमान तबका क्या सोचता है नरेंद्र मोदी को लेकर? इन 9 सालों में मुसलमानों की हालत कुछ बदली है, कुछ बेहतर हुई है या पहले से ज्यादा खराब है? क्या नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से हर चीज मिल रहा है। अभी देखिए स्कॉलरशिप आ रही है, और क्या चाहिए। 9 साल में मोदी जी ने कोई परिवर्तन ला पाए? मुसलमानों की जिंदगी अच्छी हुई है, खराब हुई है? नहीं, अच्छी हुई है। मोदी जी, योगी जी के राज में इतना परिवर्तन हुआ, बहुत अच्छा परिवर्तन हुआ है। हम लोगों को कोई भी तरीके का नुकसान नहीं हुआ है, किसी भी तरीके की हर योजना का लाभ मिला है, हर योजना का लाभ मिला है, चाहे वो युवा पीढ़ी हो चाहे वो बुजुर्ग हो। खुश है, मोदी जी तो राशन दे रहे हैं। 9 सालों में क्या महसूस किया आपने? 9 साल में तो बहुत अच्छा महसूस हमको आई। हाँ। पहले की बात है, वो बीत गई तो बीत गई। लेकिन कहा क्या जाता था, ये तो बता दीजिए। अब वो तो लोग, बीजेपी आएगी तो हिंसा होगा, ये कहा जाता था, तो दंगा होगा, बीजेपी आएगी तो पाकिस्तान जाना पड़ेगा। मगर ऐसा कुछ नहीं ना। क्या आपने मुझसे बताइए, ये तो मैंने बोला हुआ था। नहीं नहीं, क्या कहा जाता है, आएगा सरकार तो ऐसा हो जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं। कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, जरा बताइए। मारकाट दुनिया की बातें सुन रही थी, मगर ऐसा कुछ नहीं ना। 24 में मुसलमान किस तरफ देख रहा है, राहुल गांधी, अखिलेश यादव या फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, किसको बना रहा है? योगी मोदी, योगी और मोदी जी। 24 में किस तरफ है मुसलमान? योगी मोदी। मुसलमान हो के बोल रहे हैं क्यों? और वैसे ही आपके पेट में दर्द हो जाए। हिंदुस्तान में रहते हैं, अयोध्या नगरी के बाशिंदा हैं हम लोग, तो ऐसा बोलना कोई हमारे लिए जुर्म थोड़ी ना है कि हम मुसलमान हो के बोल रहे हैं कि योगी और मोदी को जिताना है। एक कानून मोदी जी संसद में लेकर आए थे कुछ साल पहले, ट्रिपल तलाक वाला कानून, ये कानून महिलाओं के हक में है कि खिलाफ है? ये तो हक में अब आ गया, ठीक है, पहले महिला के खिलाफ था, अब हक वाला ठीक है। हाँ। कि तिलाक दिया करो ना हुए तो ठीक है। हाँ। और पहले क्या करते थे आदमी लोग? पहले आदमी महिलाओं को गुड़िया समझते बोल थे। हो गया तिलाक, हो गया तिलाक, ऐसा कहते थे, बहुत अच्छा कर दिया तिलाक, तिलाक 3 मरता कई दिन तिलाक हो गया। अब जाओ कहो मोदी योगी के सामने तिलाक। बहुत अच्छा कानून उन्होंने लागू किया हर एक के लिए, ये हर एक के लिए, सिर्फ हर मुस्लिम महिला के। जो मिनट मिनट पे शराब पी के आए या दंगा करके आए, कुछ भी करके आए, उन्होंने कह दिया नशे की हालत में तलाक 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 तलाक, तो हो गया तलाक। इस कानून से निजात मिली। हाँ। वो अच्छा है। ये किसने किया? मोदी जी ने। अच्छा, तो इसलिए महिलाएं मजबूत हुई हैं कि नहीं हुई? बिल्कुल मजबूत हुई हैं, हर तरीके से संतुष्ट हैं। और हम ही लोग नहीं, हम लोगों की पीढ़ी जो गुजर गई, जो हम लोगों की उम्र गुजर गई, ये तो गुजर गई, जो आज हम लोगों के पास बेटियां हैं, जो आज की जनरेशन है, पढ़ी लिखी है, अगर ये कल उनके साथ होता तो वो होने से बच गए। दलों ने क्यों नहीं किया, जो 60 साल से आपका वोट लेते आ रहे हैं, उन्होंने कभी मुस्लिम महिलाओं के बारे में सोचा? कुछ नहीं सोचा, हम लोग के बारे में तो कुछ नहीं। ये पहले ऐसा होता था कि इसमें एक दूसरे की लाइफ बर्बाद हो जाती थी। हाँ। अब ये है कि ऐसा कोई केस है ही नहीं तलाक के बीच में, लेकिन एक चीज की गुजारिश है कि नकाब के ऊपर कुछ ऐसा ना हो, क्योंकि ये जो है पर्दा है मुसलमान का, मुसलमान का पर्दा ही जरूरी है। ये बताइए, आप लोग लगभग 20 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन पूरे देश में बताई जाती है, 10 करोड़ मुस्लिम महिलाएं हैं, इन 10 करोड़ मुस्लिम महिलाओं का क्या कभी किसी ने सुध ली थी, ये सोचा था कि इनको भी ट्रिपल तलाक जैसा कानून बनाकर अधिकार देना चाहिए, सशक्त करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए? किसी और दल ने सोचा था, बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के पहले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इसी के लिए तो बोल रहे मोदी जी अब ऐसा भी करेंगे। पहले देखिए लड़कियां चलने से डरती थी रोड पर, अब खुला एकदम अपनी जिंदगी जी रही हैं लड़कियां। अलग अलग इलाकों में गए, अलग अलग वर्गों से हमने बातचीत की और जानने समझने की कोशिश की कि दरअसल अयोध्या का मुसलमान, चाहे वो महिला हो या पुरुष, क्या सोचता है। ये जानना बहुत जरूरी था, ये राय आप तक पहुंचानी बहुत जरूरी थी, ये राय आप तक पहुंचाने की कोशिश की। ज्यादातर लोग संतुष्ट नजर आए, लेकिन कल फिर किसी और जगह, किसी और जिले, किसी और इलाके में चलेंगे, कुछ और मुसलमानों से बातचीत करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि 9 साल में मुसलमानों की जिंदगी कितनी बदली और 2024 में मुसलमान किस तरफ देख रहा है। बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।